नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आईपीसी की धारा 384 के बारे में बात करूंगा। यह धारा जोर जबरदस्ती रंगदारी से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती से रंगदारी से वसूली करता है किसी व्यक्ति से, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। अपराध सिद्ध होने पर इसमें कारावास की सजा है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जिसे न्यायालय आरोपी का इतिहास और आरोप की गंभीरता के अनुसार निर्धारित करता है। इसमें जोर जबरदस्ती मृत्यु या आघात का भय दिखाकर किया जाता है। जैसे कहीं किसी का कोचिंग संस्थान चल रहा हो, अगर बढ़िया उसका काम चल रहा हो, जा करके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़फोड़ करना, आघात करना, भय पैदा करना, ताकि वो उसको पैसे दे, रंगदारी दे। ये टेलीफोन से भी होती है। टेलीफोन से किसी को धमकी देना कि हम तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि रंगदारी प्राप्त हो ही जाए, लेकिन रंगदारी का प्रयास है उसे भय में डाल करके, मृत्यु का आघात करके। जैसे किसी का व्यापार चल रहा हो, ताबड़तोड़ उसके शोरूम पर फायरिंग ही कर रहा हो, तो मृत्यु का या आघात का भय दिखा करके, यह एक गैर जमानती अपराध है, यह एक संज्ञेय अपराध है, पुलिस बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। यह किसी भी स्तर के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इसमें समझौता करने योग्य यह अपराध नहीं है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर, पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।